आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 100% ओरिजिनल विंडोज 10 प्रो को कैसे अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू। मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, इसका ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप 100% ओरिजिनल विंडोज 10 प्रो की कैसे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। और आज मैं आपको उसी बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और मैं इसके थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप विंडोज 10 प्रो की ओरिजिनल की कहां से परचेज कर सकते हैं और वो भी काफी चीप प्राइस में। आपको कोई भी 10 या 15,000 पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 हजार के बीच में आप जेन्युइन की को परचेज करके यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल लीगल वे है, लाइफ टाइम आप उस की को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, जब हमारा पीसी या लैपटॉप खराब हो जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो उसे फॉर्मेट कराने के लिए हम मार्केट जाते हैं और वहां पे हमसे वो चार्ज तो करते हैं प्लस अपना पीसी या लैपटॉप आपको छोड़ के आना पड़ता है और हम अपने लैपटॉप के अंदर काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो हम चाहते हैं कि वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप घर बैठ के अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं प्लस आपके पैसे भी बचेंगे। हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे वीडियो से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिले। आप ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करें और उसके बाद ये जो बेल का आइकॉन आ रहा है इसको भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज की अपडेट मिलती रहेंगी। मैं हूं वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। आप जब भी विंडोज को इंस्टॉल करेंगे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने उसका पहले बैकअप लेना है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बैकअप कैसे लेंगे। आपको माई कंप्यूटर में जाना है और सी ड्राइव को ओपन करना है। उसके बाद आप ये यूजर्स का जो फोल्डर देख रहे हैं इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो पीसी या लैपटॉप का नाम रखा होगा उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। मेरे लैपटॉप का नाम यूजर है इसलिए उस नाम से ये फोल्डर शो कर रहा है। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेना है। आपने यहाँ से फोल्डर्स को चेक करना है, जिस फोल्डर में भी आपका डेटा है उस फोल्डर को कॉपी करके सी ड्राइव को छोड़ के किसी भी ड्राइव के अंदर उसको आप पेस्ट कर लीजिए। मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप के अंदर है और डाउनलोड्स के अंदर है। डेस्कटॉप के अंदर वो फाइल्स होती है फ्रेंड्स जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं और डाउनलोड्स में जब आप इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं वो तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही सेव होती है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं और उसके अंदर आपने बुकमार्क्स को सेव करके रखा हुआ है, फेवरेट्स के अंदर वो सारे बुकमार्क्स आपके शो करेंगे। यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मेरे यहां पे डी और ई ड्राइव शो कर रही है, आपके में ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आप उस ड्राइव को ओपन करेंगे और मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है 14th जुलाई बैकअप के नाम से, यहाँ पे आपने वो सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं या फिर गूगल क्रोम यूज करते हैं और उसके अंदर आपने अपने बुकमार्क्स को क्रिएट करा है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उनका बैकअप कैसे ले सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स के अंदर आप ये जो आइकॉन देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इस वाले आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आ रही है बुकमार्क्स और उसके बाद आप सबसे नीचे ये देखेंगे शो ऑल बुकमार्क्स, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट एंड बैकअप, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं एक्सपोर्ट बुकमार्क्स टू HTML, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट करा था, जैसे मैंने 14 जुलाई वाला क्रिएट करा है, और यहाँ पे आपने नाम दे देना है मोजिला, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि मोजिला फायरफॉक्स का बैकअप है, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। ठीक ऐसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और आप ये जो कॉर्नर में 3 डॉट्स देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में जो ये आ रहे हैं इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बुकमार्क्स में जाना है और उसके बाद बुकमार्क मैनेजर में, बुकमार्क मैनेजर ओपन करने के बाद फिर से आप ये कॉर्नर में 3 डॉट्स देख रहे हैं इस वाले डॉट में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके यहाँ पे शो करेगा एक्सपोर्ट बुकमार्क्स और आपने सेम उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है जहां पे आपने पहले सेव करा था और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे क्रोम। ये सारा बैकअप लेने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने विंडोज को कैसे इंस्टॉल करना है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल से इसकी फोटो जरूर क्लिक करें क्योंकि जब आप फॉर्मेट करेंगे तो वहां पे सी डी ई ड्राइव नहीं लिखा होगा, नीचे ये साइज लिखे होंगे। अगर आपने गलती से डी ड्राइव के साइज को फॉर्मेट कर दिया तो आपके डी ड्राइव के अंदर जितना भी बैकअप है वो सारा रिमूव हो जाएगा और उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और सी ड्राइव आपकी एज इट इज ही रहेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ तो आप ये याद कर लीजिए कि 289 GB, मतलब जो भी आपका साइज होगा सी ड्राइव का उस साइज को याद कर लीजिए या फिर इसकी फोटो जरूर क्लिक करिए।
अब मैं आपको अपने दूसरे लैपटॉप के अंदर लेके जाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको अपने पीसी या लैपटॉप में बूटेबल पेनड्राइव को कनेक्ट करना है। अगर आपका सिस्टम ऑन है तो पेनड्राइव को कनेक्ट करके आप रीस्टार्ट करेंगे। अगर आपका सिस्टम शट डाउन है, जब पेनड्राइव को आप कनेक्ट करेंगे रीस्टार्ट करते टाइम और जब सिस्टम ऑन हो रहा है, दोनों टाइम में आपने अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन को बार बार प्रेस करना है। जब आप एस्केप बटन को बार बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन होगी और यहाँ से आपने अपने सिस्टम की बूट डिवाइस ऑप्शन को चेक करना है। मेरे केस में यहाँ पे F9 शो कर रहा है, जो थर्ड नंबर पे है। आपने अपने सिस्टम में चेक करना है कि आपका कौन सा नंबर है और आपने उस बटन को सिर्फ एक बार ही प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका बूट मैनेजर ओपन होगा। यहाँ से आपको अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है UEFI, इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। जो लास्ट वाली है मेरे केस में, इसको सिलेक्ट करना है और जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड में आप एंटर को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी, यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप एज इट इज सेम रहने दीजिए। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेंटर में जो लिखा है इंस्टॉल नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट की डालने के लिए, तो आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, सबसे नीचे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है विंडोज होम, विंडोज एजुकेशन और विंडोज प्रो। तो ये वीडियो मैं विंडोज 10 प्रो पे बना रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप होम को या एजुकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका लाइसेंस एंड टर्म्स का पेज ओपन होगा। अभी आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे ही आप इस बॉक्स पे टिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आएगी, अपग्रेड की एंड कस्टम की। तो आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया था, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उसके साइज को आप याद कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट करा और फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं यहीं पे अभी पॉज कर रहा हूँ। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। प्रोसेस फिनिश होने के बाद यहाँ से आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका फिर से वही फर्स्ट पेज ओपन हो गया जैसे पहले हुआ था, पर यहाँ से अब आपको नेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना, नहीं तो सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो अभी हमने करा था। आप ये जो राइट साइड कॉर्नर पे क्रॉस का बटन देख रहे हैं, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल विंडो इंस्टॉलेशन। आप इसको यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आपने अपनी पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेना है। पेन ड्राइव बाहर निकालने के बाद यहाँ स्टार्टिंग सर्विसेज आ गया। अब यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा फिर से फाइल्स को इंस्टॉल होने में। यहाँ से मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। आपको यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं इंडिया को सिलेक्ट करूंगा। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने यस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने कीबोर्ड को सेट करना है। मैंने इंग्लिश और इंडिया को सिलेक्ट करा और उसके बाद यस पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको कीबोर्ड के लेआउट को सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से आपको अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। अभी इसको मैं यहाँ से स्किप नाउ कर रहा हूँ। आप यहां पे अपने पीसी का नाम टाइप करेंगे। आप अपने पीसी को जो नाम देना चाहते हैं आप यहां टाइप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड टाइप करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप इस सर्विस को चाहते हैं तो आप इसको येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सेम वैसी सर्विस होती है जैसे आईफोन में सिरी है और गूगल के अंदर गूगल असिस्टेंट। तो मैं इस सर्विस को लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको येस पे क्लिक करा। उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, फाइंड माई डिवाइस, लोकेशन, मैं यहाँ से लोकेशन ऑफ कर रहा हूँ और बाकी जो सेम एज इट इज़ है उसको ऐसे ही रहने दूंगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन कौन सी सेटिंग्स चाहिए और उसके बाद नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ये मैसेज आएंगे और आपको फिर से ये वेट करना पड़ेगा। मैं इस पार्ट को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। आपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है और उसके बाद लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आएगी यहाँ पे आपने थीम को सिलेक्ट करना है। थीम को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ लिखा है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कंप्यूटर की, इसमें क्लिक करेंगे अप्लाई एंड ओके।
उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर आपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और ऑटो अरेंज आइकॉन्स को आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे आइकॉन्स अपने आप अरेंज हो जाएंगे। माई कंप्यूटर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपकी कौन सी विंडोज है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज 10 प्रो। जैसे ही आप अपने वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप इस विंडो को इंस्टॉल करेंगे, जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है सेम एज इट इज सेटिंग्स तो आएंगी, इसके अलावा और भी आ सकती है। जब मैंने लास्ट टाइम इस विंडो को इंस्टॉल करा था तो मुझसे और भी सेटिंग्स के बारे में पूछा गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस विंडो को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, वो भी सिर्फ 1 से 2 हजार रुपए के बीच में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस विंडोज में आप ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको किसी के पास जाके उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना सिस्टम छोड़ने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।